हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द 35th एपिसोड ऑफ द बॉयज कॉमिक सीरीज, जहां हम शुरू करेंगे वॉल्यूम 8 हाईलैंड लेडी। तो ये वॉल्यूम नॉर्मल कंटिन्यूएशन से हटकर एक मिनी सीरीज की तरह निकाला गया था, जिसमें हमें ब्रॉडली ह्यूई और एनी की ओरिजिन स्टोरी बताई गई है। इस वॉल्यूम में टोटल 6 इशूज़ हैं, जिसमें से 3 इशूज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे और 3 अगले में। तो बिना किसी और देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इशू स्टार्ट होता है ह्यूई के वापस अपने घर जाने से, जो कि स्कॉटलैंड के एक ऑशरलैंड नाम की जगह पर होता है। रास्ते में जाते हुए ह्यूई को 3 बच्चे और एक ब्लैक डॉग दिखता है, जिसे देखकर ह्यूई को कुछ याद आता है, पर इसे अभी के लिए जस्ट ध्यान रखना, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे ये दिखाया नहीं जाता है कि उसे एग्जैक्टली क्या याद आया। खैर, ह्यूई अपने घर पहुँचता है और उसके मम्मी पापा उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद ह्यूई के घर आने की खुशी में वो साथ मिलकर खाते हुए सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जिस दौरान ह्यूई के पापा उससे पूछते हैं, तुम्हें अमेरिका में कैसा लगा? ह्यूई जवाब देता है, कुछ खास अच्छा नहीं, शायद मैं वापस वहाँ जाऊँगा अपने काम को पूरा करने के लिए, पर ऑनेस्टली मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। जिस पर उसके मम्मी पापा उससे कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है और वो जब तक चाहे उनके पास रह सकता है। इसके बाद उसकी मम्मी कहती है कि वो अपने दोस्तों से मिलने कब जा रहा है, बॉबी और दूसरा शायद डॉट था ना। ह्यूई अपनी मम्मी को करेक्ट करते हुए कहता है, उसका नाम डॉट नहीं डेट है। तो ह्यूई के बचपन के 2 दोस्त हैं, बॉबी और डेट, जो अभी भी इसी टाउन में रहते हैं। जिस पर उसकी मम्मी पूछती है कि आखिर डेट कैसा नाम है, जिस पर ह्यूई डेट के नाम का रीज़न बताता है कि डेट एक्चुअली डिटर्जेंट का शॉर्ट फॉर्म है और हम उसे इस नाम से इसलिए बुलाते थे क्योंकि हमें लगता था कि वो कभी डिटर्जेंट का यूज़ नहीं करता। बेसिकली डेट के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि उसमें से बहुत स्मेल आती है, और स्टार्टिंग में ह्यूई और बॉबी को ऐसा लगता था कि वो सफाई नहीं रखता है, नहाता नहीं है, शायद इस वजह से उसमें से स्मेल आती है। पर डेट से स्मेल आने का रीज़न उसकी बॉडी की कुछ प्रॉब्लम होती है। इसके बाद ह्यूई और उसके पापा बाहर जाकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ ह्यूई उसके पापा की एक पुरानी बोट के बारे में बात कर रहा होता है, जिस पर उसके पापा बताते हैं कि वो अभी काम नहीं कर रही क्योंकि कुछ टाइम से उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया है। इसके बाद उसके पापा ये भी कहते हैं कि ह्यूई की मम्मी उसे यहाँ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश है, पर ह्यूई इस बात पर थोड़ा सा वियर्ड रिएक्शन देता है। एक तरह से आप कह सकते हो कि वो थोड़ा सा चिढ़ सा जाता है और बात बदलते हुए वहाँ से जाने लगता है अपने दोस्तों से मिलने के लिए। जिसके बाद ह्यूई पहले डेट के घर जाता है, जहाँ हम देखते हैं डेट को, जो अपने प्रॉब्लम की वजह से इस तरह का मास्क लगाकर घूमता है। फिर वो दोनों मिलकर अपने टाउन के बार में जाने लगते हैं, जहाँ उनका तीसरा दोस्त बॉबी उनका वेट कर रहा होता है। बाहर जाते हुए रास्ते में ह्यूई डेट के मास्क के बारे में पूछता है कि उसे अभी तक ये लगाकर घूमना पड़ रहा है, जिस पर डेट बताता है कि उसने कई डॉक्टर्स को अपनी प्रॉब्लम दिखा दी है पर अभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला है। फिर डेट कहता है कि 7-8 साल बाद ह्यूई को देखकर वो काफ़ी खुश है, पर इन सालों में बॉबी काफ़ी बदल चुका है और ह्यूई ने लास्ट टाइम उसे जैसा देखा था अब वो उससे काफ़ी अलग हो चुका है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि एक्चुअली ह्यूई अमेरिका यानी बॉयज़ के पास रॉबिन की डेथ के बाद ही गया था, जिसे आई थिंक स्टोरी के अकॉर्डिंग 1 से 1.5 साल ही हुआ होगा। पर ह्यूई अपने टाउन ऑशरलैंड से 7-8 साल पहले ही निकलकर स्कॉटलैंड के ही एक बड़े शहर ग्लासगो में रहने लग गया था, जहाँ उसे रॉबिन भी मिली थी। बात करते करते ह्यूई और डेट बार में पहुंच जाते हैं, और ह्यूई जब बार में बॉबी को देखता है तो उसे समझ में आता है कि डेट किस चेंज की बात कर रहा होता है। पहले ह्यूई भी सरप्राइज हो जाता है उसके बदले हुए भेस को देखकर, पर फिर वो साथ में बैठकर ड्रिंक करते हुए बातें करने लग जाते हैं। डेट और बॉबी ह्यूई से न्यूयॉर्क और उससे रिलेटेड ह्यूई के एक्सपीरियंस के बारे में उससे पूछते हैं, पर ह्यूई जो कि बॉयज़ के बारे में डायरेक्ट नहीं बता सकता तो वो घुमा फिराकर बात बदल देता है। जिसके बाद बॉबी, जो पहले एक आदमी ही था, अपने चेंज होने का रीज़न बताते हुए कहता है कि पिछले कुछ सालों में उसे अपनी प्रेफरेंस में थोड़ा चेंज महसूस हुआ और इससे अब वो लड़की बनना चाहता है। तभी उन सभी की ड्रिंक्स ख़त्म हो जाती है और ह्यूई और ड्रिंक लेने के लिए बारटेंडर के पास जाता है, जहां वो बीजा नाम के एक आदमी को देखता है जो उस बार का ओनर भी होता है। वो ड्रिंक्स देते देते ह्यूई को गालियाँ दे रहा होता है। वो किस लिए ह्यूई को गाली दे रहा होता है इसकी बात हम आगे डिटेल में करेंगे, पर फिलहाल ह्यूई ड्रिंक्स लेकर बीजर को इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद वो तीनों दोस्त मिलकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे होते हैं। यही डेट और बॉबी ह्यूई को याद दिलाते हैं कि बचपन में कैसे वो दोनों ह्यूई के मज़े लेने के लिए उसके रियल पापा की डेथ की एक अजीब कहानी ह्यूई को बताया करते थे, जिस पर ह्यूई बचपन में विश्वास भी कर लेता था। तो यहाँ हमें ये बताया जाता है कि जो हमने कुछ देर पहले ह्यूई के मम्मी पापा देखे थे वो एक्चुअली ह्यूई के रियल पेरेंट्स नहीं हैं, बल्कि उन्होंने ह्यूई को अडॉप्ट किया हुआ है, पर उन्होंने ह्यूई के साथ हमेशा इतना अच्छा बिहेवियर रखा था कि ह्यूई ने कभी अपने असली पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश ही नहीं करी। खैर, अगर उस स्टोरी की बात करें जो डैड और बॉबी ह्यूई से मज़े लेने के लिए कहा करते थे, तो वो ये थी कि ह्यूई के पापा एक पायलट थे और एक दिन वो उड़ते हुए प्लेन के गेट पर ही खड़े होकर हल्के हो रहे थे कि तभी वो प्लेन से नीचे गिर जाते हैं, पर उसके बावजूद भी वो उस टाइम के लिए बच जाते हैं, पर वहाँ टेम्परेचर इतना कम होता है कि वो जो हल्के हुए थे वही जमकर उनके सर पर आकर लग जाता है और वो वहीं मर जाते हैं। तो ये बेसिकली उन दोनों ने ह्यूई से मज़े लेने के लिए बचपन में एक स्टोरी बनाई थी, जिस पर ह्यूई बचपन में यकीन भी कर लिया करता था, और यही बात याद करते हुए डेट और बॉबी ह्यूई पर हंसने लग जाते हैं।
तो इस स्टोरी का भले ही कोई मतलब या रेलिवेंस ना हो, पर इससे ह्यूई को बुरा जरूर लगता है। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो न्यूयॉर्क से निकल रहा होता है यहाँ आने के लिए। जाने से पहले वो अपने हैमस्टर जेमी को किसी को सौंपना चाहता था और फीमेल आकर उससे वो हैमस्टर ले लेती है। ह्यूई को फीमेल की वायलेंट टेंडेंसीज की वजह से जेमी की थोड़ी चिंता हो रही होती है, पर फ्रेंची उसे दिलासा देता है कि फीमेल इसका सही से ध्यान रखेगी। इसके बाद बुचा ह्यूई से कहता है कि ह्यूई तुम जितना टाइम लेना चाहो ले सकते हो, जब तुम रेडी फील करो तभी वापस आना। जिस पर ह्यूई कहने वाला होता है कि वो श्योर नहीं है कि वो वापस आएगा भी या नहीं, पर बुचर उसकी बात को काट कर कहता है कि सॉरी पर एमएम अभी नहीं आ पाएगा, वो कभी कहीं गया हुआ है। जिस पर ह्यूई बताता है कि हाँ मुझे पता है, मैं उससे एक्चुअली कल शाम को मिल चुका हूँ। इसके बाद ह्यूई सबको बाय कहकर वहाँ से जा रहा होता है, पर तभी जाते जाते वो बुचर से पूछता है क्या तुम्हें पता था। जिस पर बुचर कहता है किस बारे में बात कर रहे हो, पर ह्यूई आगे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। और हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ इतनी ड्रिंक्स के बाद बॉबी और डेड की हालत ख़राब हो चुकी होती है, पर ह्यूई अभी भी सोबर होता है क्योंकि उसकी बॉडी में कंपाउंड वी जो है। और इसके बाद वो अपने दोस्तों को बाय बोलकर अकेला शहर में घूमने लग जाता है। घूमते घूमते उसे एक पहाड़ी टाइप जगह पर एक आदमी मिलता है जो एक पेंटिंग बना रहा होता है। ह्यूई जिसे अभी कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जिससे वो खुलकर बात कर सके और जो उसका मजाक ना उड़ाए या उसे धोखा ना दे, तो इसलिए ह्यूई उससे बात करना स्टार्ट कर देता है और वो आदमी भी ह्यूई से अच्छे से बात कर रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और वो आदमी अपना नाम एलेस्टर विगर्स बताता है। एलेस्टर ह्यूई को अपने वाइफ के हाथों से बने हुए बिस्किट्स ऑफर करता है, जिसके बाद वो ह्यूई से पूछता है कि तुम यहीं के हो। ह्यूई बताता है कि हाँ वैसे मैं यहीं से हूँ, पर मैं काफ़ी टाइम से बाहर था और अभी वापस आया हूँ। जिस पर एलेस्टर पूछता है तो वापस घर आकर अच्छा लग रहा है। ह्यूई थोड़ा सा हिचकिचाते हुए हाँ कहता है, जिस पर एलेस्टर कहता है तुम्हारे जवाब में हिचकिचाहट थी, क्या तुम्हें अपनी फैमिली के पास आना पसंद नहीं है। ह्यूई जवाब देता है फैमिली एक चीज़ है पर दोस्तों की बात अलग ही होती है। मैं अपने दो दोस्तों के साथ आज बैठकर पी रहा था, यादें ताज़ा कर रहा था, पर जहां मैं सारी अच्छी बातें याद कर रहा था उन्होंने मुझे याद दिलाया कि वो कैसे मुझे परेशान किया करते थे और मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक तरह से मेरा उनसे भी मन भर चुका है, पता नहीं उनका कौन सा चेहरा सच है। एलेस्टर उसकी इन बातों को सुनकर कुछ और फिलोसॉफिकल बातें जवाब में कहता है। तभी हम देखते हैं कि पास की रोड से कुछ गाड़ियाँ जा रही होती है, जिस पर बैठा एक आदमी दूसरे से कहता है वो लड़का कैम्बेल बचपन में बहुत स्मार्ट था और उसे मिस्ट्री सॉल्व करना पसंद था और उसका इस टाइम पर वापस आना हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। पर इस पर दूसरा आदमी कहता है मिस्ट्रीज, यहाँ कोई शो चल रहा है क्या, मैं यहाँ कस्टम्स और पुलिस से डरा हुआ हूँ और तुम्हें एक लड़के से डर लग रहा है, ये बस एक नॉर्मल लड़का दिख रहा है, तो ज़्यादा इधर उधर ध्यान मत भटकाओ और जल्दी से अपना काम पूरा करो बस। जिस पर पहला आदमी यस सर कहता है और सीन फिलहाल यहाँ चेंज हो जाता है और हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होकर अगले दिन में चलते हैं, जहाँ ह्यूई और एलेस्टर फिर उसी जगह पर मिल रहे होते हैं। इस बार एलेस्टर एक बर्ड का स्केच बना रहा होता है, जिस पर ह्यूई कहता है सीगल, पर एलेस्टर कहता है नहीं ये सीगल नहीं है, ये फुलमर नाम की एक बर्ड है। यूजुअली लोगों को दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, पर फुलमर एक डेंजरस बर्ड है, ये खतरा महसूस होने पर एक स्ट्रीम इजेक्ट करती है जिससे किसी भी क्रिएचर को हफ्तों तक दिक्कत आ सकती है, यहाँ तक कि उसकी डेथ भी हो सकती है। ये डिटेल अभी आपको थोड़ी रैंडम लगी होगी, पर वॉल्यूम के एंड में इस डिटेल का भी यूज़ है तो अभी हमारे लिए जानना ज़रूरी था। खैर आगे अपनी बात करते हुए ह्यूई कहता है मैं हमेशा नॉर्मल लोगों की तरह जीने की कोशिश करता हूँ, पर कुछ ना कुछ हमेशा ऐसा हो जाता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ। देखो मैं ये कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी ही सब दुखों से भरी हुई है, पर मेरी लाइफ भी बाकियों की तरह नॉर्मल क्यों नहीं हो सकती है। एलेस्टर कह सकता है हो सकता है तुम इस बारे में बस ज़्यादा सोच रहे हो। ह्यूई कहता है चलो मैं तुम्हें अपने लाइफ का एक किस्सा बताकर एग्जाम्पल देता हूँ। फिर ह्यूई अपने एक बचपन का किस्सा बताता है कि एक बार गर्मियों की छुट्टी में वो अपनी आंटी के वहाँ जा रहा होता है, जिसके लिए उन्हें प्लेन से जाना होता है। उसके दोस्त बॉबी और डेड पहले भी प्लेन में जा चुके होते हैं और इस बार ह्यूई को भी पहली बार प्लेन में जाने का मौका मिलता है। प्लेन में ह्यूई की एक्साइटमेंट को देखते हुए उनमें से एक पायलट ह्यूई को अपने साथ कॉकपिट में ले जाता है और उसे प्लेन की बेसिक चीज़ें समझाता है और फिर कहता है कि मैं अभी एक मिनट में आता हूँ, तब तक तुम यहीं बैठो। वो ह्यूई को अपने को पायलट के साथ छोड़कर चला जाता है कि तब तक उसका को पायलट प्लेन संभाल लेगा और ह्यूई को भी कॉकपिट में बैठने का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। पर उस को पायलट का उस टाइम आप कह सकते हो कि एक तरह का मेंटल ब्रेकडाउन सा हो जाता है और वो प्लेन को कंट्रोल करना छोड़कर ये कहने लग जाता है कि 20 साल से पायलट होने के बावजूद भी मुझे समझ नहीं आता ये प्लेन इतने ऊपर बैलेंस कैसे रहता है। और ये सुनकर ह्यूई डर जाता है और दूसरा पायलट आकर जैसे तैसे प्लेन को संभाल कर सेफ लैंडिंग करवा देता है। पर हाँ इससे ह्यूई को एक चाइल्डहुड ट्रॉमा ज़रूर मिल जाता है और ह्यूई एलेस्टर से कहता है तो जहाँ बाकी बच्चों को बहुत अच्छी मेमोरीज और एक्सपीरियंस मिला वहाँ मुझे बस एक ट्रॉमा मिला। देखो मुझे भी रोने वाले लोग पसंद नहीं है, पर कभी कभी मुझे दूसरे लोगों को देखकर लगता है कि ऐसा ही सब नॉर्मल मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता।
इसके बाद ह्यूई ये भी कहता है, मैंने ये सीक्रेट आज तक किसी से शेयर नहीं किया था, कहीं तुम कोई साइकेट्रिस्ट तो नहीं हो? जिस पर हंसते हुए एलेस्टर जवाब देता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसे और भी कई लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ किसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, पर सबके अपने चैलेंजेस हैं। पर इतने में ही बॉबी और डेट वहाँ आ जाते हैं और एलेस्टर उन्हें देखते हुए कहता है, लगता है अब तुम्हारे जाने का टाइम आ गया है। पर ह्यूई कहता है, वो अभी थोड़ी देर वेट कर सकते हैं। ह्यूई आगे कहता है, देखो यहाँ वापस आकर मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इन दोनों से ही मिलने के लिए था, क्योंकि ग्लासगो में और न्यूयॉर्क में जब मेरे कलीग्स कभी मेरा मजाक बनाते थे या मुझे हर्ट करते थे तो मैं यही सोचता था कि मैं एक दिन वापस अपने असली दोस्तों के पास जाऊँगा, आखिर मैं यहाँ कर भी क्या रहा हूँ। ह्यूई के ऐसा कहते हुए हम देखते हैं वो सीन जहाँ बॉयज़ मिलकर ह्यूई का मजाक बना रहे होते हैं। पर ह्यूई आगे कहता है, पर अब मैं यहाँ आया हूँ तो यही सेम चीज़ मैं अपने न्यूयॉर्क के दोस्तों के लिए सोच रहा हूँ। खैर मेरी बातों को सुनने के लिए थैंक्स, आई होप कि मैंने आपको ज़्यादा परेशान ना किया हो। जिस पर एलेस्टर कहता है, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं चाहूँगा कि कल तुम मुझे यहाँ की और बेहतर जगह दिखाओ। जिस पर ह्यूई हामी भरता है और वो दोनों अगले दिन सेम टाइम पर मिलने का डिसाइड करते हैं और ह्यूई फिलहाल बॉब और डैड के पास आ जाता है और वो तीनों मिलकर स्मगलर्स कोव नाम की एक जगह पर जाते हैं जिसके पास एक सी होता है। इस सी में ह्यूई एक अजीब बात नोटिस करता है कि एक डॉल एक पर्टिकुलर जगह पर रुकी होती है, मतलब वो पानी के बहाव से भी कहीं जा नहीं रही होती है, जिसका मतलब ये है कि किसी ने उस जगह पर जानबूझकर डॉल को बांधा हुआ है। पर उसकी इस बात पर उसके दोस्त उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते और बस किसी की शरारत समझकर इस बात को इग्नोर कर देते हैं। और इसके बाद वो इसी स्मगलर कोव पर अपने सॉल्व किए पहले केस को याद करते हैं जिसके बारे में इस कार में बैठा आदमी कुछ देर पहले बात कर रहा था। तो बेसिकली कई साल पहले जब ह्यूई और उसके दोस्त बच्चे थे, उन तीनों ने मिलकर उनके टाउन में चल रहे एक ड्रग रैकेट को पकड़वाया था जो एक्चुअली बीजर ही चला रहा था, जिसे हमने कुछ देर पहले बार में देखा था। और उसे पकड़वाने में तीनों दोस्तों में से सबसे ज़्यादा दिमाग ह्यूई ने ही लगाया था, इसलिए बीजर ह्यूई को इतनी गालियाँ दे रहा था क्योंकि उसके वजह से ही वो पकड़ा गया, जिससे उसका नुकसान तो हुआ ही पर साथ ही उसे कुछ साल जेल में भी रहना पड़ा। और यहीं हमें यह भी पता चलता है कि ह्यूई बॉयज से जुड़ने से पहले भी गलत रोगों को रोकने की कोशिश करता आया है। खैर फिलहाल ह्यूई यहाँ से जाने लगता है और इसी बीच में हमें ह्यूई का एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वो अपने घर के लिए निकलने से एक शाम पहले एमएम के साथ होता है। ह्यूई एमएम से कहता है, बॉयज़ CIA की टीम है, मतलब हमें उनके लिए काम करते हुए सूक्ष्म निगरानी रखनी होती है, पर लेजेंड ने मुझे बताया था कि हमारा टारगेट पर्टिकुलरली 7 ही रहता है क्योंकि वही बुचर का भी टारगेट है। पर ये एक तरह से गलत भी नहीं है क्योंकि उसे अपनी वाइफ के डेथ का बदला लेना है और वैसे भी अपनी प्राइवेट वॉर लड़ने के लिए वो सरकार का पैसा यूज़ करने वाला पहला इंसान नहीं है। जिस पर MM कहता है, बुचर एक सोल्जर है ह्यूई, सोल्जर लड़ते हैं और जैसा उन्हें बोला जाए वैसा ही करते हैं, तो मैनेजमेंट उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होता। पर ह्यूई पूछता है, पर तुम्हें कभी कभी उसके तरीके कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम नहीं लगते? MM कहता है, रीसेंट तक तो नहीं, पर हाँ अब मुझे भी थोड़ा सोचना पड़ रहा है, पर वैसे देखा जाए तो हम सभी के कुछ रीजंस होते हैं और उनके लिए हम बहुत कुछ कर जाते हैं। जिस पर ह्यूई कहता है, पर उनके कॉन्सिक्वेंसेस का क्या? लेजेंड ने मुझे मैलरी और उनके पोतियों के बारे में बताया था। जिस पर MM थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, हाँ वो बहुत बुरा हुआ था, पर अब शायद ही ऐसा हो कि दोनों में से कोई भी साइड डायरेक्ट एक दूसरे से टकराए। ह्यूई पूछता है, क्यों? MM जवाब देता है, क्योंकि वो हमें जान से मार सकते हैं और हम उनके खिलाफ सबूत पूरी दुनिया को दिखाकर उन्हें डुबा सकते हैं। उसके अलावा तुम्हें पता ही होगा कि वॉट सूप्स को डिफेंस में डालने की कोशिश कर रही है, तो वो अब किसी और कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहेगी। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या अब तुम्हारा बॉयज़ छोड़ने का मन हो रहा है? ह्यूई जवाब देता है, पता नहीं, पर हाँ अगर मैं नहीं भी आता हूँ तो मैं तुम लोगों को मिस ज़रूर करूँगा। ह्यूई के ऐसा कहने के साथ वो फ्लैशबैक ख़त्म होता है और फिलहाल यहाँ सीन चेंज होता है और हम वापस चलते हैं स्मगलर्स कोव पर, जहाँ हमें पता चलता है कि ह्यूई का डाउट सही होता है क्योंकि वो डॉल किसी ने जानबूझकर वहाँ बांधी होती है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि एक टोपर नाम का ड्रग डीलर होता है जो कुछ रशियन से ड्रग लेकर बेच रहा होता है और उन रशियंस के बोट को कहाँ रोकना है उसके लिए एज अ साइन उस डॉल को लगाया गया होता है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको इनकी डील और इसमें इन्वॉल्व कुछ कैरेक्टर्स को ब्रीफली समझा देता हूँ। तो ये रशियंस बेसिकली कोक को कंपाउंड वी से लेस करके रशिया से यहाँ लाकर बेचते हैं और टूपर रशियन से ड्रग्स लेकर उसे स्कॉटलैंड के अलग अलग जगह पर बांटता है। पर टूपर ग्लासगो में रहता है और उसे इस टाउन में बार बार आना पसंद नहीं होता है, तो वो रशियंस को बताता है कि अब उसके बिहाव पर बम्फलब ब्रदर्स नाम के दो भाई यहाँ से उनसे ड्रग्स लेकर उनके कस्टमर और टूपर तक उसे पहुँचाएंगे। तो इन शॉर्ट कंपाउंड वी ह्यूई का पीछा उसके घर तक भी नहीं छोड़ रहा है। खैर टूपर माल चेक करता है और बम्फलब ब्रदर्स को वो वैन में सामान भरने को कहता है, पर बम्फलब ब्रदर्स थोड़ी चालाकी दिखाते हुए टूपर से कहते हैं कि हमने तुम्हारी बातें सुनी और हमें रियलाइज़ हुआ कि तुम यहाँ कुछ बहुत बड़ा ऑपरेशन चला रहे हो, तो हम चाहते हैं कि तुम हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पे करो।
पर टूपर ऐसा करने से मना कर देता है, जिस पर बमफ्लब ब्रदर्स उसे धमकाते हुए कहते हैं कि अगर तुमने हमें मना किया तो तुम्हारा ये सामान कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और हो सकता है कि जाते जाते हम पुलिस को भी इस बारे में बता दें। ये सुनकर टूपर अपनी भतीजी सैरा को बुलाता है, जो पास में खड़ी उसकी गाड़ी में बैठी होती है। सैरा अपने साथ एक टूल लेकर आती है, जिसे शायद हैज या ऐसा ही कुछ कहते हैं, बेसिकली जो आपने देखा होगा कि बड़े पौधे या घास वगैरह काटने के काम आता है। पर यहाँ सैरा घास काटने की जगह बमफ्लब ब्रदर्स में से एक के चेहरे पर वो टूल रखकर उसके चेहरे में कट लगा देती है, जिसे देखकर दूसरा भाई डर कर टूपर से माफ़ी मांगते हुए पहले उसे जितने पैसे मिलने वाले थे उससे भी कम पैसों में काम के लिए तैयार हो जाता है, और सैरा उन्हें छोड़ देती है। और तभी टूपर का आदमी कहता है कि अब सुबह होने वाली है तो अब हम कल ही निकलेंगे, जिस पर टूपर थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसे ये टाउन बोरिंग लग रहा होता है। सीन यहाँ चेंज होता है, हम देखते हैं कि घर पर ह्यूई की मम्मी उसका वेट करते करते चेयर पर ही सो गई होती है, और ये देखकर ह्यूई को बुरा लगता है, जिन्हें उठाकर वो उन्हें जगह पर जाकर सोने के लिए कहता है। वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। खैर, इसके बाद सीन फास्ट फॉरवर्ड होता है और हम अगले दिन में ह्यूई और एलेस्टर के पास चलते हैं, जिसमें ह्यूई अपने एक और चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में बता रहा होता है। ह्यूई बताता है कि बचपन में उसकी एक आंटी कुछ टाइम के लिए उनके साथ रहने आई थी, जो काफ़ी बीमार रहती थी। एक दिन जब वो वॉशरूम यूज़ करके बाहर आई तो वॉशरूम के अंदर का नज़ारा देखकर ह्यूई की मम्मी चिल्लाने लगी और उसके पापा को बुलाने लगी। उसके पापा भी अंदर का नज़ारा देखने के बाद काफ़ी टेंशन में बाहर आते हैं और कुछ लेने के लिए वॉशरूम से थोड़ी दूर चले जाते हैं, और इतने में बच्चा ह्यूई, जो काफ़ी क्यूरियस था, वो उस वॉशरूम में चला जाता है, और वहाँ जाकर उसे एक बड़ा सा 17 फीट का टेप वॉर्म दिखता है जो उसकी आंटी के अंदर था। और उस टेप वॉर्म को देखकर ह्यूई इतना डर जाता है कि वो हिल भी नहीं पाता और बस वहीं जम सा जाता है और बस खड़ा ही रह जाता है, और कुछ टाइम के लिए ह्यूई बोल भी नहीं पाता है। आई नो ये पूरा सीन काफ़ी वियर्ड है, बट बेसिकली इस इंसिडेंट और इससे पहले पेन वाले इंसिडेंट और साथ ही ह्यूई के माँ बाप का इतना डिसेंट और केयरिंग होना, इस सब से हमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ह्यूई की पर्सनैलिटी जैसी अभी है उसका क्या रीज़न है। ह्यूई इस इंसिडेंट के बारे में बात करते हुए कहता है कि ये इंसिडेंट भी एक वजह है कि मैं इतना डरपोक क्यों हूँ, और आज भी जब कुछ भी बुरा होता है मेरे साथ तो मैं उसी दिन की तरह ही बस जम जाता हूँ और कुछ नहीं कर पाता हूँ। जिसके बाद ह्यूई इनडायरेक्टली बुचर की बात करते हुए कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक टफ गाय बनना ज़रूरी है, इससे ना सिर्फ तुम खुद अपने आप को विक्टिम बनने से बचा सकते हो पर सोसाइटी में चेंजेस भी ला सकते हो। जिस पर एलेस्टर उससे पूछता है, पर क्या तुम सच में ऐसा इंसान बनना चाहते हो? ह्यूई कहता है, पता नहीं, शायद, पर हाँ इतना ज़रूर है कि मैं अगर चेंज ला पाया तो चीज़ों को बेहतर करने के लिए लाऊंगा, उन्हें बस ख़राब होने से रोकने के लिए नहीं। एलेस्टर कहता है, वेल, मेरे पास इसका कोई एग्जैक्ट जवाब नहीं है कि तुम्हें भी एक टफ गाय बनना चाहिए या तुम जैसे हो वैसा ही रहना चाहिए। पर ह्यूई उसे उसकी बातें सुनने के लिए और उसे समझने के लिए थैंक्स कहकर फिलहाल के लिए वहाँ से चले जाता है। बेसिकली इस कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि ऑल दो ह्यूई को खुद नहीं लगता कि बुचर जैसा वॉयलेंट आदमी एक आइडियल इंसान है, पर अपने साथ हुए रीसेंट इवेंट्स के बाद ह्यूई भी चाहता है कि वो भी बुचर की तरह थोड़ा टफ गाय बने ताकि लोग ह्यूई का फ़ायदा ना उठा सके। खैर, फिलहाल सीन यहाँ चेंज होता है और हम चलते हैं ह्यूई के घर पर, जहाँ उसके पापा उसे बताते हैं कि वो उनकी बोट पर दोबारा काम करेंगे ताकि वो सही हो जाए। इसके बाद वो और ह्यूई बोट से जुड़ी हुई अपनी पुरानी यादों को याद करने लग जाते हैं, और इसी बीच ह्यूई की मम्मी उनके लिए कुछ खाने के लिए ले आती है, जहाँ खाते खाते ह्यूई के चेहरे पर कुछ लग जाता है और उसकी मम्मी उसे बताती है कि उसके चेहरे पर कुछ लगा हुआ है। ह्यूई उसे खुद साफ़ करने वाला होता है कि उसकी मम्मी एक कपड़ा लेकर खुद ही उसका चेहरा साफ़ करने आ जाती है। ह्यूई इसके लिए मना भी करता है पर उसकी मम्मी उसकी एक नहीं सुनती और खुद उसका चेहरा साफ़ करने लग जाती है, जिससे ह्यूई काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है क्योंकि जैसा अभी वो टफ गाय बनने की बात कर रहा था तो उसके कंपैरिजन में ह्यूई को लगता है कि उसके मम्मी पापा को उसके लिए इतना ज़्यादा केयर भी नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं इस बात की वजह से वो इतना भोला और अच्छा इंसान है। खैर, माँ तो माँ होती है। इसके बाद ह्यूई वहाँ से गुस्से में अपने दोस्तों के पास चला जाता है, जहाँ उसके दोस्त भी उससे मज़े लेने लग जाते हैं, पर ह्यूई उन्हें बताता है कि उसका मूड अभी ठीक नहीं है। जिस पर डैड कहता है कि जब से तुम वापस आए हो तब से ही तुम थोड़ा परेशान लग रहे हो, इसे तुम्हें थोड़ा चेयरअप करने के लिए मैं ये लेकर आया हूँ। और ऐसा कहते हुए वो ह्यूई को एक फ़ोटो देता है जिसमें एक लड़की होती है जो कि स्कूल टाइम पर ह्यूई की क्रश हुआ करती थी। ह्यूई जो कि अब सिंगल है वो भी उस लड़की के बारे में सोचने लग जाता है, पर डैड और बॉबी को भी अब उसके बारे में पता नहीं होता है, और उस लड़की के बारे में ही बात करते हुए वो लोग बाहर पहुँच जाते हैं। उसी बार में टूपर और उसकी भांजी भी उस टाइम पर मौजूद होते हैं, और जैसा हमने देखा था कि टूपर को बमफ्लब ब्रदर्स ने इस सीन में ऑलरेडी स्टार्टिंग में ह्यूई के बारे में बता दिया था कि कैसे उसने बीजर को पकड़वाया, तो टूपर ह्यूई के आने पर उसे एक्नॉलेज करता है। पर तभी उसके पास एक फ़ोन आता है जिसमें उनका रशियन डीलर उन्हें बताता है कि अगला माल वो कल शाम तक ही ला पाएंगे क्योंकि उनकी बोट में कुछ दिक्कत आ गई है, जिसका मतलब ये है कि टूपर को एक दिन और उसी टाउन में रुकना पड़ेगा। इस बात से टूपर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी बीजर टूपर के पास आ जाता है कि
उसकी मेहमान नवाजी करके और उसे खुश करके वो भी वापस से ड्रग डीलिंग के काम में आ सके, जैसा वो पकड़े जाने से पहले किया करता था। और इसी के लिए वो खुद टूपर को ड्रिंक सर्व करने आया होता है। टूपर नी ड्रिंक बनाने को कहता है पर बीजर उसमें बर्फ़ डाल देता है, जिस पर टूपर उसे बर्फ भी हटाने को कहता है, जिस पर बीजर बेवकूफ़ों की तरह ड्रिंक में ही हाथ डालकर बर्फ निकाल देता है, जिससे फॉर ऑब्वियस रीजन टूपर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बीजर की बात बनने की जगह बिगड़ जाती है। यहीं ह्यूई और उसके दोस्त भी एक दूसरे के मज़े लेते हुए शाम को एंजॉय करते हैं और कुछ टाइम बाद सब अपने अपने घर निकल जाते हैं। ह्यूई जब घर पहुंचकर अभी अपने गेट पर खड़ा ही होता है कि उसके पापा पूछते हैं, तो ह्यूई तुमने अपने दोस्तों के साथ अच्छा टाइम बिताया? ह्यूई हाँ में जवाब देता है और साथ ही लेट आने के लिए माफ़ी भी मांगता है। पर तभी उसके पापा कहते हैं कोई बात नहीं, अब जल्दी आ जाओ, हमारे घर एक मेहमान आई है। ह्यूई अंदर देखता है और पाता है कि एनी वहाँ आई हुई होती है। एनी ह्यूई को हाई कहती है। ह्यूई पहले तो शॉक में रह जाता है कि एनी वहाँ कैसे आ गई, पर तुरंत ही उसे पुरानी बातें याद आ जाती है और वो गुस्से में एनी को घर से बाहर निकलने के लिए कहता है। और इसी के साथ इस वॉल्यूम के पहले 3 इश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं। आई नो कि ये एपिसोड और इवन मैं आपको बताऊँ तो ये पूरा वॉल्यूम ही बाकी वॉल्यूम्स के कंपैरिजन में आपको थोड़ा लाइट लगेगा, मतलब इसमें उतना ज़्यादा एक्शन और डार्क कंटेंट नहीं है और ये थोड़ा फिलोसॉफिकल ज़्यादा है। बट इसमें हमें अभी तक ह्यूई और अगले एपिसोड में एनी के बारे में भी और पता चलेगा, तो ओवरऑल ये भी एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम है। खैर, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगता है कि अब ह्यूई और एनी का रिलेशन किस डायरेक्शन में जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।